नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय बालाजी महाराज की। ऐसी कोई गली नहीं जहाँ बजरंगबली की चली नहीं। जी हाँ मित्रों, आज हम आपके अपने चैनल के माध्यम से वीडियो दिखा रहे हैं। भारत के दो सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर सरकार श्री 1008। जी हाँ, आप उनको घोड़े की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन का पर्व चल रहा है, बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर हजारों बहन राखी बांधने के लिए बागेश्वर धाम पे ही पहुंची हैं। इस बीच में बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर सुप्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी भी पहुंचे। उनको घोड़े की सवारी कराई गई। जी हाँ, पहाड़ों के बीचों ले जाए गए बागेश्वर धाम सरकार और घोड़े को, उसके बीचों घोड़े की सवारी करते हुए आप नजर आ रहे हैं। अगर बागेश्वर धाम सरकार से प्रेम करते हो, इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी की कथा सुनते हो, उनको मानते हो, तो उनके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। और ऐसी वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं इंटरेस्टिंग। और आपको बताते चले, सावन का पर्व महीना उतरने वाला है और रक्षाबंधन के पर्व 30-31 को दो दिन मनाया जा रहा है। इस बीच में 7 तारीख को बागेश्वर धाम सरकार पर जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी मनाया जाएगा। और आप लोग बड़े ही भाग्यशाली हो जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर पा रहे हैं। और एक विशेष सूचना, आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता मैं, बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर सत्यचंडी महायज्ञ भी हुआ था। इस बीच में आपको पता चले अगली कथा कब है, दिव्य दरबार अगला कब है, बिना टोकन का बिना नंबर का, इसकी वीडियो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, आज ही लेकर आएंगे, उसको जरूर देख लें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं स्टूडियो में।